गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इन विच वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन या फिर आपका बेस्ड ऑन स्टेट हमने क्लासिफाइड किया था मैटर्स को, इन विच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सॉलिड स्टेट। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अबाउट द लिक्विड्स। आज हम लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे। लिक्विड्स क्या होते हैं? फर्स्टली वी मस्ट नो अबाउट द लिक्विड्स, आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। सो लिक्विड्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको जब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस समझाया था, उसमें क्या है बच्चों, आपको देखने को मिलेगा हर स्टेटमेंट में, हर प्रॉपर्टी में आपको देखने को मिलेगा जो आपका लिक्विड है वो हमेशा एक इंटरमीडिएट स्टेट होती है गैस और सॉलिड के बीच की। ओके, जैसे कि क्योंकि आपके जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं उनका रीज़न क्या होता है, या तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स या फिर स्पेसेस बिटवीन देम, मॉलिक्यूल्स के बीच के स्पेसेस या फिर उनके बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्स की स्ट्रेंथ क्या है, उसके बेस पर ही हम इनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं, या फिर जो भी इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है उनका रीज़न यही होता है। तो आप देखेंगे बच्चों, हम यहाँ पे देखेंगे कि जो आपके सॉलिड होते हैं, जैसे मैंने बताया कि सॉलिड क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनके बीच में इस तरीके से जो पार्टिकल्स होते हैं वो आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि ये फिक्स्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, फिक्स होते हैं लाइक दिस। अब आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पे लिक्विड्स का ड्रॉ करती हूँ, यानी कि अगर कोई लिक्विड है तो उसके पार्टिकल्स आपको कैसे दिखेंगे, आपको थोड़े खुले खुले से इसके पार्टिकल्स नजर आएंगे। ओके, अगर आप गैस स्टेट को बताते हो, गैसेस स्टेट को, तो इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका लिक्विड है, जो स्टेट है लिक्विड, वो एज अ इंटरमीडिएट स्टेट बन रही है इन दोनों के बीच में। यहाँ पर आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पर लेस होगा और यहाँ पर सबसे कम होगा, यानी कि गैस में। सेम एज स्पेसेस क्या हैं, यहाँ पर बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, यहाँ पर स्पेसेस थोड़े आपके स्पेसेस बढ़ गए हैं और यहाँ पर आपके स्पेसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है गैसियस स्टेट में। तो आपको इसी एग्जांपल से देखने को मिल रहा है कि आपके लिक्विड क्या है, एज अ इंटरमीडिएट स्टेट है बिटवीन सॉलिड्स एंड गैसेस। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल्स, सो यू कैन गिव एग्जाम्पल योर सेल्फ लाइक वाटर, मिल्क, ऑयल, एल्कोहल, जूसेस, दीज ऑल थिंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड स्टेट। ओके, सो लिक्विड स्टेट को हम इस तरीके से समझेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। अब लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग ओनली वन प्रॉपर्टी, दैट इज शेप एंड वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, आपने कोई भी लिक्विड देखे होंगे, लाइक यहाँ पे जैसे वाटर है। ओके, अगर मैं उस वाटर को आपके एक ग्लास में डालती हूँ तो आप देखेंगे कि वो वाटर ग्लास की शेप ले लेगा। अगर उसे एक बाउल में डालते हैं वो बाउल की शेप ले लेगा। अगर उसे और किसी कंटेनर में डालते हैं तो वो उसी कंटेनर का शेप ले लेता है, राइट? अगर आपको बोला जाए कि वो वाटर कितना है, उसकी क्वांटिटी कितना है, सो यू कैन मेजर द क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड इजिली। आप उसे उसकी क्वांटिटी बता सकते हो, ये 10 ml है या फिर 100 ml है, 1 liter है, 2 liter है, इस तरीके से आप उसकी क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हैं। बट आप उसकी शेप डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो अलग अलग कंटेनर में जाएगा, वो उसी की शेप लेता रहता है, उसकी एक डेफिनेट, एक रेगुलर शेप नहीं है। अगर आपसे रीज़न पूछा जाए कि क्यों उसकी जो शेप है वो डेफिनेट नहीं है, वो रेगुलर नहीं है, सो जस्ट बिकॉज ऑफ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप जितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे वो आपके बेस्ड होंगी उनके इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, और जिस अट्रैक्शन को हम, या फिर क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स। तो वहाँ पर आपको जो कोहेसिव फोर्स है वो आपका सॉलिड की कंपैरिजन से कम हो जाता है लिक्विड्स में। जैसे कि आपको मैंने फिगर के थ्रू बताया कि उसके पार्टिकल्स कैसे हो जाते हैं, थोड़ा खुल जाते हैं। जैसे आपने सॉलिड में देखा बच्चों, सॉलिड में आपने क्या देखा कि जो पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल आपके फिक्स हो रखे थे, उनको
उनको इधर उधर जाने की भी जगह नहीं मिलती थी क्योंकि वो बाउंड्री के अंदर बंद हो रखे थे। पर यहाँ पर जो कोहेसिव फोर्स है उसने क्या कर दिया, वो थोड़ा लूज हो गया है, और वो थोड़ा लूज हुआ तो ये पार्टिकल्स क्या हो गए, इनको थोड़ा फ्रीडम मिल गया और ये क्या हो गए, थोड़ा दूर दूर हो गए। अगर बात करें कि कितनी दूरी इनके बीच में होंगी, क्या इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो इनकी मर्जी के अकॉर्डिंग, ये कहीं भी फ्रीडम हो सकता है इनका, बहुत ज़्यादा ये फैल सकते हैं, तो बच्चों क्या होता है वो अलग बात है कि कोहेसिव फोर्स इनके बीच में थोड़ा कम हो गया है क्योंकि थोड़ा इनको स्पेस मिला है, ये लूज हो गए हैं, अट्रैक्शन के बीच में कम हुआ है, कोहेसिव फोर्स कम हुआ है, बट जो डिस्टेंस होगी वो ऑलवेज डेफिनेट होगी। मतलब अगर बाय द वे ये पार्टिकल, इससे ये वाला पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से इतनी दूरी पे था, और जैसे कि आपको पता है कंटिन्यूअस मोशन होता रहता है इनमें, अब इनके बीच में स्पेसेस है तो ये कंटिन्यूअस मोशन करेंगे, सॉलिड क्या कर पा रहे थे, सॉलिड के पार्टिकल कंटिन्यूअस मोशन नहीं कर पा रहे थे, उन्हें अपनी जगह पे वाइब्रेट होना पड़ रहा था। अब ये क्या करेंगे, बाय द वे इस वाले पार्टिकल को इधर मूव करना है तो ये इसकी जगह ले लेगा। मतलब जो इनके बीच के डिस्टेंस है ना वो आपको वो मेंटेन होनी चाहिए। मूवमेंट वो इधर उधर करेंगे जो कि आपका ब्राउनियन मोशन है वो तो उनमें हो गई, बट क्या है जो डिस्टेंस रहेगी वो ऑलवेज मेंटेन रहेगी। ओके सो आपको समझ में आया, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, सो जो लिक्विड का शेप होता है वो आपका डेफिनेट नहीं होता, जबकि जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है। सो लेट्स सी मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग टू कीप मॉलिक्यूल्स इन अ फिक्स्ड पोजिशन, क्योंकि जो इनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो पार्टिकल्स को बांधे रखे या फिक्स करके रखे जैसे आपके सॉलिड में चल रहा था। इस वजह से क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज लेस देन दैट ऑफ सॉलिड। सॉलिड के अकॉर्डिंग इनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है बच्चों वो कैसा होता है, कम हो जाता है। Therefore, liquids do not have a definite geometric shape. Due to appropriate force, they have definite volume. इस वजह से उनके बीच में क्या नहीं होता, क्योंकि वो उनके जैसे कि आपने इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में पढ़ा वो थोड़ा लेस हो गया है, अब वो क्या करेंगे, वो जिस भी कंटेनर में रखेंगे उनके मॉलिक्यूल क्या कोशिश करेंगे, थोड़ा फैलने की कोशिश करेंगे, और फैलने की कोशिश करेंगे तो वो क्या करेंगे, जिस भी कंटेनर में उन्हें रखा वो अपने अकॉर्डिंग उसके ही अकॉर्डिंग वहाँ पे शेप ले लेंगे, तो उनकी शेप कैसे होगी, डेफिनेट नहीं होती। हम नहीं बता सकते कि उनका शेप कैसा है। जैसे अगर आपको बोला गया, जैसे सॉलिड का एग्जाम्पल दिया कि पर्टिकुलर मेरे पास जैसे ही मार्कर है और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल फिक्स इसके अंदर हो रखे क्योंकि ये सॉलिड है, और अगर बाय द वे इसके पार्टिकल्स मूव करने लगे बाहर की ओर, बाहर मूव करने लगे, एक बाउंड्री को क्लोज करके बाहर मूव करने लगे, और तब आपको बोला कि इसकी शेप बताइए, तो क्या आप इसकी शेप बता पाओगे, नहीं, क्योंकि इरेगुलर हो गया है, अब इसकी कोई शेप नहीं है, पहले इसकी शेप सिलेंड्रिकल थी बट अब इसकी कोई शेप नहीं रह गई है क्योंकि ये इसके तो पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं, हम कैसे करके इसकी शेप बता सकते हैं। लेकिन इसी तरीके से आपके बट ये सॉलिड है ऐसा नहीं होगा, तो लिक्विड में ऐसा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वो कंटेनर की शेप ले लेते हैं, और इनमें वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, ड्यू टू अप्रोप्रिएट फोर्स, और इसी फोर्स की वजह से जो इनका वॉल्यूम होगा वो कैसा होगा, डेफिनेट होगा। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, नोट डाउन दिस क्लास वर्क, नेक्स्ट टाइम वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अदर प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स।